वेलकम बैक टू द वीडियो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जेईई और नीट पोस्टपोन को लेकर एक बड़ी खबर है। एजुकेशनिस्ट जो है वो भी कॉल कर रहे हैं कि आप कैंसिल करो या फिर पोस्टपोन करो। खबर आ रही है मदुरई से, आपको बता दूं कोविड-19 तमिलनाडु में अच्छी तरीके से फैल चुका है, मतलब थर्ड या फोर्थ नंबर पे है। और इंडिया की बात करें तो अभी 3,30,000 प्लस केसेस हो गए हैं। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, जेईई मेन, नीट और क्लैट, तो इन सभी एग्जाम को कहा जा रहा है कि या पोस्टपोन कर दे या फिर उसको कैंसिल कर दे। लेकिन पोस्टपोन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड, अगर एग्जामिनेशन लिया है कोविड स्प्रेड होने के चांसेस है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का चांसेस है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशनिस्ट है उन्होंने भी कहा है कि इसको जरूर से पोस्टपोन करना चाहिए। देख सकते हो आप, डॉक्टर आर मुरली जो कि तमिलनाडु के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन मूवमेंट को लेकर, मतलब जो ये एग्जाम वाला चल रहा है उनको लेकर कहा है कि इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, सिर्फ आपको ट्वीट करना है। आप देखो यार, एजुकेशनिस्ट भी कह रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। जैसा कि देख सकते हो आप, एक्सपेक्ट किया जा रहा है जुलाई में कोविड का पीक आने वाला है या फिर कोविड के और बढ़ने वाले हैं। आपका जून में एग्जाम होता, अप्रैल में एग्जाम होता तो उतने केसेस नहीं थे, लेकिन अब तो और केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जो एजुकेशनिस्ट है वो भी परेशान है। उनको भी टेंशन हो रही है कि बच्चों को अगर एग्जाम देने के लिए लाया जाएगा तो कितना रिस्क हो सकता है। उसके बाद देख सकते हो, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने भी डिमांड किया है कैंसिलेशन, कैंसिल करने के लिए बोर्ड एग्जाम, जो CBSE 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन लेने वाला है उसको लेकर ट्विटर पे हैशटैग स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर ये भी ट्रेंड में गया था, और कैंसिल बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड है। तो आप भी जाओ सपोर्ट करो, जो भी ट्विटर पे ट्विटर पे अगर इस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं तो आपको उसमें सपोर्ट करना, अगर आप चाहते हो कि पोस्टपोन हो या फिर कैंसिल हो। इसमें आपको अपना पढ़ाई जो हो रहा है आपका उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हो, आप पढ़ाई से अपना ध्यान लगाए रखो। और जो आज की न्यूज़ है वो आप लोगों को बता देता हूं मैं, कि आप देख सकते हो एक पब्लिक नोटिस है जो कि 15 जून को रिलीज की गई थी, मतलब कल ही रिलीज की गई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो कि NTA कंडक्ट करती है उसको बढ़ा दी गई है। एक तरफ देखो यार, NTA जो फॉर्म भरने की डेट है उसको भी बढ़ा रही है, और एक तरफ एग्जाम लेने की भी बात कह रही है, तो इन दोनों बात में स्टूडेंट फंस रहा है बीच में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने सिर्फ एग्जामिनेशन पर तैयारी करना है, और जो भी मूवमेंट होगा मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा। और आपको अगर चाहिए कि पोस्टपोन हो तो इसके लिए आपको ट्वीट करना पड़ेगा NTA को, HRD मिनिस्टर को, तो जाके ट्वीट करो, लेकिन उससे पढ़ाई आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करें कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सबसे पहले बता दूं जो आपका इग्नू मैट, इग्नू PhD और ओपन मैट MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका डेट बढ़ा गया, 30 जून तक कर दिया गया है। उसके बाद ICAR जो कि एग्रीकल्चर के लिए होता है तो उसका भी डेट बढ़ा दिया गया, 30 जून तक। उसके बाद JNEE, उसका भी डेट बढ़ा दिया गया। फिर आपका UGC नीट का डेट बढ़ा दिया गया। उसके बाद CSIR UGC नीट का एप्लीकेशन फॉर्म का डेट बढ़ा गया। उसके बाद AIA PGET, तो इन सभी के डेट्स बढ़ा दिए गए हैं 30 जून तक, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 30 जून तक आप शाम के 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे, और उसी दिन रात के 11:50 तक आप फी पे कर पाओगे। फी आपको इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपकी या फिर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन अभी तय नहीं किया गया है, सिचुएशन को देख के तय किया जाएगा। तो यही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी। अगर कोई भी जानकारी आपको लेना है तो इस फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यह न्यूज़ निकल के आ रही थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।